नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार झारखंड। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर आम आदमी पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में अपने प्रदर्शन में थोड़ा सुधार करते हुए पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटें ज्यादा जीत ली। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो इस बार अपना खाता नहीं खोल पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार के राजनीतिक दलों को मतदाताओं ने भले ही खारिज कर दिया, लेकिन बिहार से आने वाले नेताओं ने झंडे बुलंद किए हैं। आइए जानते हैं ऐसे विधायकों के नाम जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की और वह बिहार से आते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है सोनम भारती का। हमेशा विवादों में रहने वाले सोनम भारती ने मालवीय नगर विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार सीट दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोनम भारती बिहार के नवादा जिले से आते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अभय वर्मा का। लक्ष्मीनगर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराने वाले बीजेपी के अभय वर्मा बिहार के छपरा से आते हैं, लेकिन इनका लालन पालन यानी कि पढ़ाई लिखाई दरभंगा में हुई है। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दरभंगा के राज हाई स्कूल से की, तो वहीं दरभंगा के ही सीए कॉलेज से इन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले विधायक की तरफ। अगले विधायक है संजीव झा। संजीव झा आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने बुरहाड़ी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। संजीव झा बिहार के मधुबन जिले से आते हैं। संजीव झा ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन में प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार को भारी मतों से हराया है। इस लिस्ट में अगला नाम है ऋतुराज गोविंद का। ऋतुराज गोविंद ने किराड़ी विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। वह समस्तीपुर से आते हैं। साल 2015 में ऋतुराज बीजेपी के प्रत्याशी अनिल झा को हराकर पहली बार विधायक बने थे। इस बार भी ऋतुराज ने बीजेपी उम्मीदवार अनिल झा को ही हराया है। अगला नाम है विनय मिश्रा, जिन्होंने द्वारका विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। विनय मिश्रा बिहार के मधुबन के रहने वाले हैं। विनय कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा के बेटे हैं। विनय ने साल 2013 से राजनीति में सक्रिय हुए हैं। इस लिस्ट में अगला और नाम है दिनेश मोनिया का। संगमभ्यार विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है दिनेश मोनिया ने। दिनेश मोनिया बिहार के कैमूर से ताल्लुक रखते हैं। दिनेश मोनिया ने जेडीयू उम्मीदवार एससीएल गुप्ता को करीब 40,000 वोटों से ज्यादा से हराया है। इस लिस्ट में अगला नाम है वंदना कुमारी का। शालीमार बाग से आपकी विधायक वंदना कुमारी बिहार के समस्तीपुर जिले से आती हैं। वंदना कुमारी ने 12वीं तक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में रहकर की, तो वहीं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए ऑनर्स किया है। आपको बता दें, वंदना ने लगातार तीसरी बार शालीमार बाग से सीट जीत दर्ज की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं NY000, जो आपको आसानी से मिल सकती है गूगल प्ले स्टोर पर, जहां आपको मिलती है बिहार झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।